वेलकम है गाइस, आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज एक बहुत ही अच्छे ट्रिप पे हम निकले हैं। मनीष जी मेरे साथ हैं, तो भाभी जी का वीज़ा आ गया है, ठीक है, और उनको भाभी जी आने वाले थोड़े दिन में, तो मनीष जी थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं कि भाभी जी को घुमाना है, तो थोड़ी यहाँ की रोडें देख रहे हैं। तो ये हम हाईवे पे इस टाइम, तो गाइस इस वक्त हम चले हैं एक्चुअली मैनचेस्टर, ठीक है। तो आपको थोड़ी सिटी भी घुमाएंगे, तो मनीष जी भी आज फ्री थे तो मैं भी फ्री था, तो हमने प्लान बना लिया कि यही चलो। अब मौसम देखो कितना अच्छा, धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। तो मनीष जी कैसा है, सब बढ़िया? बढ़िया चल रहा है। तो ये ड्राइविंग कर रहे हैं, मैं इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो जब हम मैनचेस्टर अभी पहुँचने वाले हैं, लाइक 1 आवर की ड्राइव रह गई यहाँ से। वूस्टर से मैनचेस्टर लगता है ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाते हैं, यूके वैसे भी छोटा सा ही है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक और बार बताना चाहता हूँ, जैसे मनीष जी यहाँ पे अभी मेरे को आप वूस्टर डिपेंडेंट साथ में आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं ना, तो अभी तो आ तो सकते हैं, सभी रूल चेंज नहीं हुआ, बट मनीष जी अपने आ गए थे जनवरी में। तो इनका प्लान ऐसे था कि पहले मैं खुद जाऊँ, सेटल डाउन हो जाऊँ, 3-4 महीने बाद मैं अपनी वाइफ को बुला लूंगा, ठीक है। तो ये प्लान भी बहुत अच्छा है, अगर इंडिया से कपल आ रहे हैं ना जिनके बच्चे हैं, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं। तो इन्होंने ऐसे ही किया कि कहते हैं कि चलो मैं पहले चला जाता हूँ, अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ, जॉब वगैरह, गाड़ी भी ले लिए, देखो सब बिल्कुल सेटल डाउन है। तो आप ऐसे भी डिसीजन ले सकते हो, वीजे को ऐसे वीजा मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वीजा भी आपके भाई ने फाइल किया है इनका। तो मैंने खुद इनका डिपेंडेंट वीजा फाइल किया, तो इस बंदे ने मेरे को पैसे भी नहीं दिए। देखो ध्यान से देखो, इस बंदे को कोई पैसे नहीं दिए मेरे को। चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ, वो कोई इश्यू नहीं है, भाई अपना। तो अगर आप साथ में भी आना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसे भी नहीं दिए और गाड़ी में पेट्रोल भी भरवाया। नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप साथ में भी आना चाहते हो ना एज अ कपल, तो आप आ सकते हो। दिक्कत यहाँ भी है कि स्टूडियो मिलेगा, फिर वो अकोमोडेशन में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे आपका पार्टनर आ जाता है एक महीना वेट कर लो, 1 महीने बाद आप बुला लो, ठीक है, उनकी फाइलिंग 1 महीने बाद कर दो, तो ये सबसे बेस्ट है। बाकी हमने एक ब्लॉग बनाना है जिसमें आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनका आगे फ्यूचर कैसा है, स्कूलिंग वगैरह कैसी है, क्या क्या उनको फैसिलिटीज मिलती है, कितना खर्चा है ना बच्चों का, रहना सहना यहाँ पे, वो एक वीडियो हमने बनानी है। तो गाइस यहाँ से हम मैनचेस्टर में एंटर हो चुके हैं, और यहाँ से देखो पूरी चंडीगढ़ वाली फीलिंग आ रही है मेरे को तो। आपको मनीष भाई कैसा लग रहा है? आप अपना मुंबई का कुछ बताओ, लग रहा है सेम लग रहा है? मुंबई जैसा नहीं है, मुंबई क्राउडेड है बट अच्छा है। अब मैं पुणे साइड जाएंगे तो पुणे साइड जैसा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं चंडीगढ़ घूमा हूँ ना तो बिल्कुल मेरे को वैसे ही लग रहा है, चंडीगढ़ में सेक्टर होते हैं ना तो उधर। बहुत प्यारा व्यू, और ट्रैफिक इतना नहीं है, ठीक है, दिन का टाइम है, बट हाँ टाइम पे लाइक 2 घंटे लग गए हमें पूरे, रास्ते मिस कर गए थे। हाँ वो हो जाता है, जब भी आप भी आओगे तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को ड्राइविंग करने में, बट वो एक दो बार मिस्टेक होगी आपको पता लग जाएगा। तो अभी 100 पाउंड का फाइन आएगा तो पता चल जाएगा। तो मनीष जी कह रहे हैं 100 पाउंड का फाइन आता है ना तो फिर बंदा आगे से ध्यान रखता है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ गाड़ी इंडिया से सीख कर आओ वो ज्यादा बेटर है, और यहाँ पे आके भी 1-2 लेसन ले लो तो अच्छा है। आपका कोई दोस्त हो जो चलाता है, उसके साथ बैठ के थोड़ा घूम लो इधर उधर, तो वो भी बढ़िया रहता है, वो आपको थोड़ा गाइड कर सकता है जिसने ऑलरेडी चलाई हो ना कि कैसे कैसे करना है, आप ऑब्जर्व करके सीख जाओगे, तो वो बहुत बढ़िया चीज है। तो अभी मैं आपको सिटी में जाके मिलता हूँ, है ना। लेफ्ट साइड में तो मैनचेस्टर सिटी सेंटर पहुंच चुके हैं, यूनिवर्सिटी बिल्कुल सिटी सेंटर के पास है, देखते हैं अगर टाइम लगा तो जाएंगे, पता नहीं अभी इतना कंफर्म नहीं। आपको पता है कि मैंने किसी स्टूडेंट को भी नहीं बताया कि मैं मैनचेस्टर आ रहा हूं। तो यहां पे फिर मिलने के लिए सब आ जाएंगे, स्टूडेंट बोलेंगे मिलो बाजी आ जाओ, है ना, फिर हम घूमने के लिए आए हैं तो हमारे पास टाइम भी थोड़ा ही है, फिर रात को वापस भी जाना है। तो ये मैनचेस्टर सिटी जैसी फीलिंग आ रही है, बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पे। टेस्टी था, तो हमने तो जो ऑर्डर किया था लाहौरी चने और साथ में नान था, तो मैं आपको इनका मेन्यू भी पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मेन्यू ये जस्ट हमारे पास है, तो ये अगर आपने टेकअवे लेके जाना है तो टेकअवे के लिए ये वाला मेन्यू है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे खाना है, अच्छा इसमें भी है, तो ये प्रॉपर यहाँ पे मेन्यू है, आप देख सकते हो। तो इसमें आपको सारे प्राइस लिखे हुए हैं, आप चेक कर लेना। तो भाजी जरा मैंने शॉप का नेम, लाहौरी डेरा स्टॉकपोर्ट डेरा स्टॉकपोर्ट रोड
M12 4Q है हमारा पोस्टकोड है, 649 स्टॉक फोर रोड के ऊपर हमारा डेरा बाकी है, लोहोरी डेरा, असली लोहोरी डेरा, हम 15 साल से इधर हैं। ये हमारी फूड है, ठीक है, लीम फर्स्ट पे आता है, सेकंड पे बोनलेस चिकन है, बहुत आला है, इसके साथ लैम है, फिर अंडा कोफ्ता है, फिर अंडा राइस है, ठीक है, राइस है, छोले चने हमारे बहुत फेमस है। हाँ, ये बहुत फेमस है। आलू गोभी है, चिकन मसाला है, फिर आलू कीमा है, पालक चिकन है, फिर ठीक है, करी पकौड़ा है, फिर भिंडी आ जाती है, ठीक है, माश है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लाहौरी कढ़ाई भी है, लाहौरी डेरा है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसी रोड पे अगर आप आते हो तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि लाहौरी नाम आ रहा है। तो लाहौरी डेरा है, मैं आपको बाहर से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो हमने खा लिया, बहुत अच्छा था। मैं जब भी मैनचेस्टर आता हूँ तो इनके पास आता हूँ। ठीक है, तो आप आओ एक बार, जब जो भी स्टूडेंट यहाँ पर है मैनचेस्टर में तो उनको तो मौजे ही हैं। तो बस अभी हम जाएंगे आगे, आगे की जो लोकेशन है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। शॉप का नेम देख सकते हैं, लाहौरी डेरा, स्टॉकपोर्ट रोड। मैप्स में डालोगे तो आ जाएगा, लाहौरी डेरा ही डालोगे ना तो मैनचेस्टर डालोगे, यही आ जाएगी स्टॉकपोर्ट लोकेशन में। तो जस्ट अभी हम चलते हैं अगली लोकेशन पे। तो गाइज, आप बाहर का माहौल देख सकते हो। अभी हम एक्चुअली जा रहे हैं पीक लेक डिस्ट्रिक्ट। तो मेरे साथ मनीष जी यहाँ पे ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मैनचेस्टर से हम निकल चुके हैं और अभी रास्ता स्टार्ट हो चुका है, जो डिस्ट्रिक्ट पार्क है यहाँ का, जो मैनचेस्टर में रहते हैं, जस्ट मैनचेस्टर से 1 घंटे की ड्राइव है। तो बहुत ही प्यारी लोकेशन है भाई, मतलब जंगल है यहाँ पे, कैसल है, इतनी मतलब बहुत सारी यहाँ पे घूमने की जगह बनी हुई है। और आप यहाँ का व्यू पहले देखो भाई, बाहर का हो, क्या बात है मनीष जी, अच्छा लग रहा है, वर्थ इट है ना। हाँ, तो मैनचेस्टर यार ठीक है। मैं आपको अगर बताऊँ अपना एक्सपीरियंस, तो अगर आप मैनचेस्टर, बर्मिंघम, कोवेंट्री, वूस्टर, लंदन ऐसे घूम लोगे ना, आपको लगेगा सारा आर्किटेक्चर इनका सेम ही है। तो यहाँ पे कितने पुराने पुराने घर है, आओ देख लो। ओहो भाई, ऊपर देखो घर। कहाँ पे लोगों ने घर बनाया है। और ये मेरे आप इधर लेफ्ट साइड में पूरी सिटी दिख रही है पूरी। अब ये सिटी का नेम नहीं पता मेरे को, मैशफील्ड करके कुछ आया था मैप में। तो ये इधर से निकल रहे हैं, अभी तो हम पीक लेक डिस्ट्रिक्ट पहुँचे नहीं है, जब उधर पहुँचेंगे तो अलग ही सीन होगा। ये देखो आगे देखो आप, घनी छाँव, ठंडी ठंडी हवा, तो धूप निकली हुई है। क्लाइमेट तो अच्छा, इसीलिए तो आ गए हम इधर। ब्लाइंड टर्न है, हाँ ब्लाइंड टर्न है। तो पहाड़ों में तो फिर ऐसे ही होगा ना, अभी हम पहाड़ों में। अगर मौसम खराब होता तो हम आते ही ना, आज सनी था तो बिल्कुल एकदम से। तो मैनचेस्टर में यार इतना घूमने के लिए कुछ है नहीं है, मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ। मैनचेस्टर में आप सिटी सेंटर देख लोगे, सिटी सेंटर इनका सबका सेम ही रहता है। तो आपको अजीब लग रहा होगा आप इंडिया में बैठे हो, बट हाँ जब आप आ जाओगे तो आपको पता लग जाएगा, सिटी में कुछ इतना है नहीं है। जो आउटर में आप जाते हो तो ये सब आपको जो यहाँ पे व्यू मिलता है ना लेफ्ट साइड में, मनीष जी एक बार गाड़ी चलाते हैं तो हल्का सा नजर मार लो लेफ्ट में, पूरा देखो पूरा दूर तक मैं अगर आपको दिखाऊं, बहुत अच्छा व्यू है, बिल्कुल बिल्कुल। खेत हैं यहाँ पर, फील्ड्स हैं, क्या बात है यार, काफी हाइक ऊपर आ चुके हैं अभी हम इस टाइम ना, पहाड़ पे पहुंच चुके हैं। तो ये देखो भाई कितनी ऊंचाई पर है वो, वहां गाड़ियां जा रही हैं, आई थिंक हमने उधर जाना है। मनीष भाई इधर गाड़ी लगा के पता हाइकिंग भी कर सकता है, वो ऊपर है ना, ऊपर जा सकते हैं हम ना, गाड़ी भी लगा के ना पार्क करके। तो खैर अभी आपको एक जगह पे लेके जानी है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है यूके में, थॉर से रिलेटेड है, थॉर सबने देखी होगी थॉर। तो आपको दिखाते हैं कि थॉर, आपको थॉर बाबा कहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे हवा इतनी चल रही है, अपने मनीष भाई के कपड़े देखो कैसे। भाई एकदम से यहाँ पे बहुत विंडी है, हम पहाड़ पे ठंडी चल रही है, और मुझे ये नहीं पता कि आप लोग मेरे को सुन पा रहे हो नहीं, बहुत तेज हवा चल रही है, आप वीडियो में नहीं पता लगेगा आपको, क्योंकि हवा महसूस होती है, दिखती नहीं है तो हवा यहाँ से दिखेगी आपको। ये देखो इनकी उड़ी, और ये यहाँ पे हमने गाड़ी लगाई है, और ये व्यू पॉइंट, पीछे एक व्यू पॉइंट था, हमने आई थिंक किसी का घर है यहाँ पे, और ये घर इतना पुराना लग रहा है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि कम से कम ये 300 साल पुराना घर होगा। होटल है, बहुत पुराना लग रहा है, आ जाओ आ जाओ फटा। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा है, पुराना क्यों लग रहा है, अगर आप इनके पत्थर देखोगे ना, देखो
तो ये पत्थर देख के आपको लग जाएगा कि आप किसी गांव में आए हो। तो ये देखो पत्थर कितने पुराने हैं। कैट एंड फील्ड, तो खाने पीने के लिए कुछ लग रहा है यहाँ पे। तो ये देखो कितनी पुरानी इमारत है यहाँ पे, और व्यू आगे आपको लेके चलते हैं। अभी हम एक और प्यारी सी लोकेशन पे रुके हुए हैं। यहाँ पे एक नेचुरल लेक, छोटी सी पॉन्ड बना हुआ है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे अपने कि मुझे नहीं पता आप मेरे को सुन पा रहे हो कि नहीं, बट आप व्यू इंजॉय करो, व्यू है एक नंबर। लोग कहते हैं हेवन, हेवन किसने देखा, हेवन यहाँ पर ही है, नीचे ही है। हाँ उधर से भी लेते हैं। तगड़ा सीन हो गया था। आप कभी भी ट्रिप पे जा रहे हो तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि आपकी ना जो भी मैप है आपका, वो आप डाउनलोड कर लो तो बेटर है। कभी भी आप किसी हिली प्लेस पे जा रहे हो या किसी भी, मतलब आपको पता है कि फॉरेस्ट एरिया सारा है ना, वहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं थे, हम दोनों लॉस्ट हो चुके थे। अभी शाम के आई थिंक 7 बजने वाले हैं, 6:30, 7, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ हम लोग कैसे वहाँ से निकले, तो मनीष जी जानते हैं। एक बार तो हम दोनों के लग गए थे। एक तो नेटवर्क गया, ठीक है, कोई बंदा नहीं, कोई कुछ नहीं, भाई हमसे बात किससे करें। फिर पता नहीं कैसे मैप में हमने देखा, वो रोड को फॉलो करते गए, फिर टाउन आया, टाउन में जाके नेटवर्क आया। तो वहाँ से एक बार तो हम पूरा स्ट्रेस में ही थे। तो अभी खैर हम एशबोर्न, एक छोटी सी सिटी है, तो एशबोर्न हम जब यहाँ पे फ्यूल थोड़ा सा डलवाया, रुके थोड़ी देर के लिए, हाँ तो थोड़ी देर के लिए रुके हैं यहाँ पे। तो साथ में यहाँ पे छोटा सा झरना चल रहा है पानी का, मैंने कहा थोड़ी वॉक करते हैं क्योंकि वापस जाना है, जस्ट यहाँ से पास में ही, अभी बूस्टर ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ रुके थे थोड़ी देर के लिए कि थोड़ी सैर हो जाएगी। बाकी मनीष जी कैसा रहा आपका, तो आप भी परेशान हो गए थे एक बार, तो खराब हो गई तो ये है कि आप जब भी कभी ट्रिप के लिए जा रहे हो ना मैनचेस्टर, या मतलब अगर आपने स्कॉटलैंड जाना है या किसी हिली एरिया में जाना है, तो वहाँ पे नेटवर्क का इशू आता ही आता है। तो वो चीज़ हमें इतना ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, मस्ती में हम फोटो भी खींच रहे थे, वीडियो भी बना रहे थे, तो मस्ती में ये चीज़ हमने देखी नहीं। तो ये जस्ट अभी ये नहीं पता भाई क्या है यहाँ से, व्यू पॉइंट है क्या कुछ, व्यू तो नहीं है यहाँ से कुछ, बंतर ब्रिज बनाया हुआ है। आप यूके की किसी भी सिटी में चले जाओ आपको रिवर्स तो मिल जाएंगी। मुझे तो यूके की भाई सच बताओ मेरे को सब सिटी यहाँ पे सेम ही लगती है। ये भी अभी हम बात कर रहे थे कि मालवन हिल्स जैसा ही व्यू आ रहा था, नहीं है पूरा, है ना, वैसे ही लग रहा था ना, लोग भी कम है यहाँ पे। तो ठीक है, यूके में एक्सप्लोर करने के लिए है बहुत कुछ है, बट सेम ही लगेगा आपको जब आप थोड़ा घूम लोगे ना, क्योंकि सब कुछ सेम ही है यहाँ पे। इंडिया में डाइवर्सिफिकेशन बहुत है ना, इंडिया में तो फिर क्या ही कहने हैं, घूमने के लिए इंडिया में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अभी हम लोग एक लोकेशन पे रुके हैं, ठीक है, इस जगह का नाम नहीं अभी मेरे को पता, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, तो ये पानी की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, ये देख सकते हो। तो ये अभी रिवर तो नहीं है, ये एक लेक कह सकते हो, एक बहुत बड़ी, हाँ बहुत बड़ी लेक है ये। तो वहाँ पे लोग बैठे फिशिंग भी कर रहे हैं और बोटिंग भी कर रहे हैं वहाँ पे काफ़ी आगे जाके। तो मैं थोड़ा सा जूम करूँगा तो मे भी आपको दिख जाए। तो ये देखो यहाँ पे आपको विंड मिल भी चल रही है पीछे, वो बोटिंग कर रहे हैं वहाँ पे लोग। तो ये इधर का मेन हाईवे, ये हम जा रहे थे रास्ते में, ये लोकेशन आई तो इसलिए हम रुक गए। गाड़ियाँ इधर से निकल रही हैं कोई भी, तो एक और गाड़ी मुड़ी उधर ये लोकेशन देखने के लिए। तो मेरा दिल है मैं उस साइड भी जाऊँ, ठीक है। तो ये इधर से, और अभी सनसेट हो जाएगा थोड़ी देर में। उस्ताद अपना पानी में चला गया। भाई आज तो बनेगा मछली पकौड़ा, आज तो मछली पकौड़ा बनेगा। फिश फ्राई बनेंगे आज, पानी के अंदर ही चला गया वो। और अंदर चला गया भाई अपना, इनके लिए गंगा तो यही है, इनके लिए गंगा यही है देखो। और पानी सच में बाकी बहुत साफ है पानी, अरे पानी आपको दिखाऊं तो ये देखो, आपको इधर से पता लग जाएगा पानी बाकी बहुत साफ है। ओ फिशिंग कर रहा है पूरा,
मिल जाएगी उसको भी कोई ना कोई। ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, बोर्ड की हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी है, दिखाऊँ आपको? ये देखो, या तो किसी ने जानबूझ के किया होगा, तो ये आप पढ़ लेना भाई, ठीक है। विल फील्ड रिजर्व हियर, तो यू आर हेयर, हम लोग यहाँ पे। और ये ब्रिज है, मैं वहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो ये वो वाला ब्रिज है, ठीक है। तो ये लेक टाइप ही है, आपको यहाँ से पता लग जाएगा। मैंने पहले आपको इधर का व्यू दिखाया और ये दूसरी साइड का।